Good morning, dear students. Good morning, sir. How are you all? I am fine, sir. I am fine. We are fine. We are fine, sir. Okay, no problem. Do you know what is verb? Yes, sir. Yes, sir. Okay, leave it. How many types of parts of speech? Who will answer the question? Sir, me. Okay, anyone? So there are 8 types of parts of speech. There are 8 types of parts of speech. Very good. And do you know the definition of parts of speech? Yes, sir. How a word acts in a sentence. How a word acts in a sentence. Parts of speech ka matlab kya hai? How a word acts in a sentence. There are 8 types of parts of speech. Name them. Sir, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. I had taught you trick, short trick. What was the short trick? अपना VIP कौन? अपना VIP कौन? तो इसमें आपके parts of speech में क्या-क्या हो जाएंगे? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection. Good, sit down. So today we will study about verb. Who will tell the definition of verb? Verb means क्रिया. हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. कौन बताएगा वर्ब की डेफिनेशन? ओके, वेरी गुड. स्टैंड अप तन्मय. सर, वर्ब शोज एन एक्शन. वर्ब शोज एन एक्शन डिनोट्स एन स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट. देन ओके, वेरी गुड. सिट डाउन अमित. अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब. एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है. अदरवाइज स्टेट, ठीक है, स्टैटिक वर्ब भी हमने बताया था, इसी में आ जाती है वर्ब की, उसमें. ओके, वेरी गुड. टुडे वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ वर्ब. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब बिसाइड्स हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? टुडे वी विल लर्न अबाउट मेन वर्ब्स, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब जो होती है उसके अंदर टाइप्स को डिस्कस करेंगे. डू यू नो एनीवन? सर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ verb. Finite verb and non-finite verb. Finite and non-finite. Okay, leave it. And have you heard about transitive verb or intransitive verb? Yes, sir. सुना है ना आपने? Yes, sir. Very good. Sit down. Today we will study about transitive or intransitive verb. के दो types में आज बात करेंगे हम. किसके बारे में? Transitive verb means क्रिया. Verb means क्रिया. क्रिया. तो आज हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव वर्ब इज नॉन एज सकर्मक क्रिया इन हिंदी. किस नाम से जानी जाती है? सकर्मक क्रिया, ठीक है. और इंट्रांसिटिव किस नाम से जानी जाती है? अकर्मक. हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. सकर्मक जिसको अपने अपने कर्म का फल चाहिए होता है. अकर्मक जो मतलब अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है. तो एक डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन. एक्शन को क्या करती है? एक्सप्रेस करती है. अदरवाइज एक्सप्रेसेस एक्शन. अदरवाइज इट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट. अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो इसको किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट. इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. आई बात समझ में? यस सर. अब जैसे हमने बोला आई लव. डू वी नीड एनी ऑब्जेक्ट? नो सर. अब मैं किस पे हंसता हूँ? आई लव इट. अब ला एट अगर यूज कर दूंगा तब जरूरत है. तो किस पे हंसता हूं? फिर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है. इट मींस इट नीड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. इट डजंट नीड ऑब्जेक्ट. इसको जरूरत नहीं होती है. आई बात समझ? अब दूसरा आपको मैंने ट्रिक बताई थी, हाउ विल वी आइडेंटिफाई ट्रांसिटिव वर्ब. We have two key points to identify transitive verb. Very good. Stand up, sir. Sir, who and whom? Who and whom? What is? Sir,
व्हाट और हुम, व्हाट ऑब्लिक हुम, आपको दो चीजें, दो चीजों की जरूरत होती है, व्हाट और हुम की, क्योंकि हु से तो हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, हुम से क्या करेंगे ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। गुड, सिट डाउन। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें जरूरत होती है व्हाट और हुम की। सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है इंग्लिश ग्रामर में, बहुत से लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता है कि हु और हुम का यूज कहाँ किया जाता है। हु इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड हुम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हुम की और व्हाट की। तो ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करना होगा तो हमारे पास दो यहाँ पे कीवर्ड रहते हैं उसके लिए, व्हाट और हुम। सबसे मेन क्वेश्चन है व्हाट मींस क्या, देखो आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, आई नीड अ मार्कर, मुझे किसकी आवश्यकता है, मार्कर की। व्हाट डू आई नीड, मार्कर। आंसर मिला, यस सर। इट मींस मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट। मार्कर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखो, मैंने कहा हुम डू यू टॉक, आप किससे बात करते हैं, आप किससे बात करते हैं, यू टॉक, यू, यू इज ऑलरेडी सब्जेक्ट, यू क्या है, मैं सब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट, यू इज का मतलब ऐसे बस समझ लेना, यू आर सब्जेक्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम व्हाट हियर इंडिकेटिंग यू, सॉरी क्या यू कर, किसको इंडिकेट कर रहा हूं मैं, यू को, यू हम ऐसे लिख लिखेंगे, मैंने कहा ना जैसे यू इज सब्जेक्ट, यू क्या है, यू इज अ सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को आप गलत मत समझ लेना, यू हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखे, ठीक है, यू को इंडिकेट कर रहे हैं, जो यू है ना वो एक सब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट, अब आप इज लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हटा दिया हमने, इफ वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा सो इट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो अगर जिसको हमें क्या करना होता है, इंडिकेट करना होता है, या तो अंडरलाइन कर लिया हमने, या उसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू टॉक टू हुम, किससे बात करते हैं, हिम, हिम। कभी भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो जैसे मैंने कहा व्हाट डू यू नीड, मार्कर, ठीक है, आपको जरूरत है किस चीज की, मार्कर की, ठीक है। अब आप किससे बात करते हैं, आपने कहा मैं राम से बात करता हूं, मैं श्याम से बात करता हूं, मैं उससे बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जरूरत है ना, बात किससे करते हैं, किसी ना किसी से तो करेंगे, किसी से करेंगे, तो बात करने वाला क्या है, सब्जेक्ट, और जिससे कर रहे हो क्या है, बस। तो ये दो चीजें फाइंड अगर हम कर लेते हैं इजिली तो क्या हो जाएगी, जिसको जरूरत होती है किसकी, This needs direct object. Direct object की जरूरत होती है, जिसको किसके object होती है, direct object. There are two types of object. I had told, बताया था मैंने, direct and indirect. आज उसके बारे में discuss नहीं करेंगे, already बता रहा हूँ। Transitive verb demands an object. Direct कर लो, एक अगर simple से उसमें आप note down करना चाहें, transitive verb demands क्या करती है, an object, otherwise transitive verb demands direct object, ठीक। whereas जबकि intransitive verb does not need any object, कोई object की जरूरत नहीं है। अब example की मदद से इसको सीखेंगे, देखो यहाँ पे पहला sentence मैंने बोला, आप बोलते हैं जैसे क्या, आपने बोला I eat food. सिंपल सा एक सेंटेंस आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, I eat food. अब इसमें ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, हाउ विल बी आइडेंटिफाइड, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब हैव वी गिवन इन दिस सेंटेंस, सर ईट, सर ईट। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाट, व्हाट आई ईट, व्हाट, दो तरीके हैं, आई ईट व्हाट, क्या खाता हूँ, फूड, फूड। अगर
ग्रामर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाट डू आई ईट। अब देखिए क्वेश्चन डू कहां से लाया मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूं, फूड, आई ईट फूड, ऑब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया क्या, फूड, इट मींस ईट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, ईट कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव। दूसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अब व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज गो, गो किस टाइप की वर्ब, सर सर आई गो, अब देखिए आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूं, नहीं होता है, इनकरेक्ट, व्हाट डू आई गो, मैं क्या जाता हूं, नहीं मिल रहा आंसर, नहीं, इफ वी वांट टू फाइंड व्हाट प्लेस सो वी विल हैव टू क्वेश्चन विद वेयर, और वेयर अगर क्वेश्चन में हम यूज कर देंगे सो इट विल नॉट बी ट्रांसिटिव वर्ब, अगर वेयर का यूज कर देंगे ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, बिकॉज वी हैव ओनली टू की पॉइंट्स टू फाइंड ट्रांसिटिव वर्ब, क्या क्या है वो की पॉइंट्स, व्हाट और हुम, नेक्स्ट देखिए गो हमारी क्या होगी यहाँ पे, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, गो क्या होगी, इंट्रांसिटिव, अकर्मक इंट्रांसिटिव वर्ब, क्यों होगी, क्योंकि जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, स्कूल क्या होता है, प्लेस होता है, और इसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब सिंपल से सेंटेंस में हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है सेंटेंस में, बट यहाँ पे हमारे पास स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट ना होके एडवर्ब ऑफ प्लेस, आगे बात समझ, इसका मतलब गो हमारी क्या है, इंट्रांसिटिव। आपने बोला आई कम फ्रॉम स्कूल, आई कम फ्रॉम स्कूल, तो ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, आई कम फ्रॉम स्कूल, व्हाट डू आई कम, मैं क्या आता हूँ, इट इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, गलत है ना, तो क्या होगा, फ्रॉम वेयर डू आई कम, मैं कहां से आता हूँ, तो वेयर हमारे पास है नहीं, इट मींस इट इज गो कम स्लीप, I sleep, मैं सोता हूँ, इट इज ऑल्सो इंट्रांसिटिव, इट इज ऑल्सो एन इंट्रांसिटिव, क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव, वीक भी क्या हो जाएगी, इंट्रांसिटिव हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का आपका यहाँ पे हमने सीखा। अगला सेंटेंस हमारे पास है, देखिए मैंने कहा आई टॉक टू यू, मैं किससे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू, अब देखो व्हाट डू आई टॉक में क्या बात करता हूँ, नहीं मिल रहा है, व्हाट से नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे से ट्राई कर लेते हैं, हुम डू आई टॉक में किससे बात करता हूँ, आपसे, यू, हुम डू आई टॉक, आई टॉक टू यू, तो हमें आंसर मिल गया, क्या मिला, यू, यू इज एन ऑब्जेक्ट, यू क्या है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारी, यानी कि टॉक भी क्या है, ट्रांसिटिव, टॉक किस में आ जाएगी, ट्रांसिटिव। आपको दो क्वेश्चन, दो वर्ड से आप क्वेश्चन करके देखना है, इफ यू फाइंड आंसर सो इट विल बी ट्रांसिटिव वर्ब, अदरवाइज इंट्रांसिटिव वर्ब, हैव यू अंडरस्टूड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपके पास एक आसान सा मेथड है ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब फाइंड करने का, दैट इज व्हाट और हुम, हुम वी विल यूज टू फाइंड आउट पर्सन, टू फाइंड आउट पर्सन, आई बात समझे, नॉट मीडियम, जैसे आप बोलते ना मैं बस से जाता हूँ, मैं कार से जाता हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे मैं किससे जाता हूँ, आप कहेंगे कार से जाता हूँ, इसका मतलब बेशक किससे होता है, लेकिन ये किससे किसके लिए यूज होता है, फाइंड आउट पर्सन, व्यक्ति के लिए, मीन्स के लिए यूज नहीं होगा, माध्यम के लिए यूज नहीं होगा, साधन के लिए नहीं होगा, वो जो आप किससे जाते हैं वो क्या हो जाएगा आपका मीडियम, उसमें आप घूम से क्वेश्चन नहीं करेंगे, गो तो आपकी एक मान के चलिए आप इंट्रांसिटिव वर्ब ही है, अगर गो के साथ टू ऐसे आ जाए आई गो टू वर्शिप, व्हाट डू आई गो टू डू वर्शिप, अब यहां पे आपको लगेगा कि गो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, गो नहीं है, जो उसके साथ वर्शिप आ रहा है, टू डू आ रहा है, जो इंफिनिटिव वर्ब आ रही है टू डू, वो क्या है वहां पे, यानी कि डू क्या होती है आपकी ट्रांसिटिव, देखो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आई डू माय वर्क, अदरवाइज आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप
डू आपकी किस्म आ जाती है ट्रांसिटिव, लेकिन जो जाने वाली है, जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, प्लेस की जरूरत होती है, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। आई बस में अब आपने बोला कि एक सेंटेंस बोल दिया कि आप क्या पढ़ाते हैं, मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, व्हाट डू आई टीच इंग्लिश, आई बस में तो टीच भी क्या आपकी ट्रांसलेटिव, तो ट्रांसलेटिव और इंट्रांसलेटिव में आपको कोई दिक्कत आपको नो सर, हैव यू एनी डाउट नो सर, एनीवन नो सर, नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना सर, ओके। थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसी वीडियो को हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल में भी अपने शेयर कर देंगे, तो फ्रेंड्स से भी ये रिक्वेस्ट है अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो ट्रांसलेटिव और इंट्रांसलेटिव का, तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा हमें, और अपनी राय देना ना भूलिएगा।